नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत जबरदस्त तरीके से की है। 1 दिसंबर को जब भारत ने औपचारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता अपने हाथ में ली तो पूरा देश इस नई जिम्मेदारी के जश्न में डूबा नजर आया। शेरपा ट्रैक की पहली ही बैठक को हमारे विदेशी मेहमानों ने इस कदर सराहा और इस गर्मजोशी के साथ स्वागत के बीच वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा भी की। इस 1 घंटे के कार्यक्रम में हम 1 दिसंबर से लेकर अब तक की बड़ी G20 की घटनाओं को समेटने की कोशिश करेंगे और चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और देखेंगे G20 की आगे की राह क्या है। मैं हूं जय मिश्र, लेकिन सबसे पहले G20 से जुड़ी अहम खबरों पर नजर डालते हैं। 1 दिसंबर से भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। देश के 50 शहरों में चुनिंदा 100 स्मारकों को G20 लोगों के साथ किया गया रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिखा विशेष लेख। G20 शेरपा ट्रैक की 4 दिनों की अहम बैठक उदयपुर में संपन्न। रूस और चीन समेत सभी G20 देशों के शेरपा हुए कार्यक्रम में शामिल। भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत से हुए प्रभावित। स्वास्थ्य सेक्टर पर G20 की बैठक में बड़ा फोकस। आयुष सचिव से GD न्यूज की खास बातचीत। G20 के सत्रों में लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुर्वेद करेगा मदद। बेंगलुरु में होने वाली फाइनेंस ट्रैक की बैठक से पहले वित्त मंत्रालय का बयान। देश भर में फाइनेंस ट्रैक की 40 अहम बैठकें। मंत्री स्तर की 4 अहम बैठकों में वैश्विक आर्थिक मुद्दों के समाधान पर होगी चर्चा। अब इससे पहले कि इस चर्चा की हम शुरुआत की, आपको थोड़ा सा पहले लिए चलते हैं और देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जब हमने G20 की अध्यक्षता को संभाला, भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर को ग्रहण कर ली। भारत की 1 साल की अध्यक्षता की अवधि में अगले साल 30 नवंबर तक ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलना है। इस दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर 32 अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 200 बैठकें होंगी। और यही नहीं, G20 को जन भागीदारी से जोड़ करके पब्लिक का G20 बनाना चाहता है ये भारत। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली NCR सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. Since this is deeply ingrained in our DNA, we have never been insecure with diversity. Our essential unity is not only the basis for pluralism, but it is also a source of confidence for engaging the world. Vasudhaiv Kutumbakam, G20 ke liye Bharat ka dhyay vakya bhi yahi hai, yani ek prithvi, ek parivar aur ek saajha bhavishya. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन अवसर भी है। इट इज ऑल्सो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू शोकेस इन द मोस्ट राइटफुल वेज बिफिटिंग हर स्टेचर एंड ग्लोरी। इंडिया हैज एज मच यूनिकनेस एज इट हैज डाइवर्सिटी। वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी to bring out the best traditions of India before the world. G20 जो दुनिया के GDP की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विशेष तौर पर ग्रीन मूवमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ बहुउद्देशीय वैश्विक मंचों में सुधार को लेकर भी जोर रहेगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता को लेकर कहा कि भारत इससे हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहता है और इसे पब्लिक का G20 बनाना चाहता है।
Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why you, for us, all of you are the most important constituent of this G20. Our efforts at engaging the youth in G20 activities, we are also involving school students through special G20 sessions in various schools. Taking this people's participation concept further, today the Hornbill Festival in Kohima features a special focus on the G20. We will try to do that with some other festivals as we go along. 100 monuments, including some UNESCO World Heritage Sites, are being specially illuminated today. And citizens have been invited to join a selfie campaign that is being run by MyGov around those illuminated monuments. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूँ। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। The theme of India's presidency, One Earth, One Family, One Future, perfectly sums up the future of global technology as well. At no time in history have we seen faster development of new technologies. Emerging tech is fundamentally reshaping our economies and our daily lives. मौका ऐतिहासिक है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। आम जन को G20 से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगो जारी किया गया। वहीं देश के ऐतिहासिक स्थलों को विशेष रूप से रोशन किया गया। ये लाइटिंग विश्व धरोहर और भारत के ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों में 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जो शेरपा ट्रेक है उसकी जो बैठक है उदयपुर में हुई और चार दिनों तक ये बैठक चली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक थी, क्योंकि जो शेरपा ट्रैक होता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक कहा जाता है G20 के पूरे आयोजन का। तो जो G20 शेरपा के जो प्रतिनिधि हैं वो कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखने पहुंचे। G20 शेरपा बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल राजस्थान की कला, संस्कृति और भारत की शानदार मेजबानी से बहुत प्रभावित दिखाई दिया और इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा, इंडिया का सॉफ्टवेयर पावर अब पूरी दुनिया को दिखाने का वक्त है और भारत ने जबरदस्त शुरुआत की। आइए देखते हैं कैसे। राजस्थान के उदयपुर में 4 दिन तक चली G20 शेरपा बैठक का बुधवार को औपचारिक रूप से समापन हो गया। भारत की अध्यक्षता में हुई पहली G20 शेरपा बैठक में शामिल प्रतिनिधि बुधवार को कई ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन करने पहुंचे। सभी मेहमान यूनेस्को विश्व धरोहर साइट कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे और विशाल किले की भव्यता को देखकर हैरान रह गए। 15वीं शताब्दी में बना यह किला अपने चारों ओर एक बड़ी दीवार की वजह से और भी मशहूर है। यह दीवार चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। Well, it was a very exhilarating experience in the sense that having come all the way and having a look at this fortress right down at the bottom. There was a natural urge that if it was possible, I'd like to go to the top. So here I am, I've made it, and I feel that I have achieved something. G20 शेरपा बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल राजस्थान की कला संस्कृति और भारत की शानदार मेजबानी से बहुत प्रभावित दिखाई दिए। उन्होंने बार बार इसका इजहार भी किया। Our experience here is just superb. It could not be better. Super interesting. I think like a very strong Indian presidency, really a good strong program, not just the cultural program, but also the substantive program. I had a nice time with the catwalk with the models, but I think this really showed the real beauty of the Indian art, and of course particularly in Rajasthan, because they have a different flavor of the rest of the India. G20 Sherpa, Aravali Parvat ki ghatiyon ke madhya sthit रणकपुर में भव्य चतुर्मुखी जैन मंदिर के भी दर्शन करने गए। लगभग 40,000 वर्ग फुट में फैले इस विशाल मंदिर को स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। मंदिर में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं। मंदिर में सैकड़ों खंभे इसकी प्रमुख विशेषता हैं।
राजस्थान के बेहद लजीज व्यंजनों को चखने के बाद, यहाँ के भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद, बुधवार का दिन इन शेरपाओं के लिए इतिहास से रूबरू होने का था। ये कुंभलगढ़ किला, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जब ये शेरपा यहां आए 1100 मीटर की हाइट चढ़कर इसके बिल्कुल उस जो टॉप पॉइंट है वहां गए और वहां का नजारा लिया। इस पूरी आर्किटेक्चर का, किसके लिए के आर्किटेक्चर का, इसकी हिस्ट्री का एक फायदा ये इनको हुआ कि इनके लिए ये एक यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस था। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, कुंभलगढ़ किला। अभी तो सॉफ्ट साइड हुआ, जो हार्ड डिस्कशंस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा काफी लंबी है और इसलिए मैंने शुरुआत थोड़ा सॉफ्ट पावर के साथ की। और 4-7 दिसंबर के बीच उदयपुर में G20 की शेरपा ट्रैक की बैठक में मुश्किल भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच G7 समेत सभी G20 देशों के शेरपा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के अध्यक्षता की शुरुआत में ही सभी देशों ने भारत की लीडरशिप पर अपना भरोसा जताया और तमाम अंतर विरोधों के बावजूद सभी देश भारत के द्वारा तय किए गए मुद्दों पर एकमत दिखे। भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। There was a discussion on multilateralism, there was a discussion on women-led development, there was a discussion on tourism and culture. When we made the payment on digital public infrastructure, they could not believe that India has made so much of progress that we do 7x of what Europe and America do together, 3x of what China does. So today when they came to Shilpagram, all of them are now doing digital payment. So they are amazed at what they cannot do in Switzerland, what they cannot do in America, they are able to do this on their mobile. All payments have been made on their Google Pay payment in 1 second flat. रियल टाइम एक्सपीरियंस भारत के जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसका, वो भी एक फ्लेवर G20 में देखने का। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गंभीर चर्चा थोड़ी सी शुरू करेंगे हमारे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। कई मजा आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत G20 और केंद्र में है वसुधैव कुटुंबकम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Hey girls! Hi, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है, फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है आपके द्वारा दिया हुआ आयकर। समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास
में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। स्वागत है आप सभी का, हमारा देख रहे हैं खास कार्यक्रम G20। भारत ने अध्यक्षता अब अपने हाथ में ले ली है और वसुधैव कुटुंबकम इसके केंद्र में है। मेरे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी से उनका परिचय कराते हैं। विष्णु प्रकाश जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक RIS फॉर डेवलपिंग नेशन, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर्षवर्धन पंत जी, विशिष्ट फेलो ORF, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद दूरदर्शन नेटवर्क पर शामिल होने के लिए। विष्णु प्रकाश जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। एक लंबा अनुभव रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। इंडोनेशिया से जब हमने भारत को अध्यक्षता जब G20 की सौंपी गई, इतना उत्साह क्या आपने पहले इतिहास में देखा था कि G20 की अध्यक्षता किसी को मिली हो और उन्होंने इतनी इस जिम्मेदारी को इतनी खुशी इतने उत्साह के साथ स्वीकार किया? और दूसरी बात कि तमाम अंतर्विरोध जो हमें इंडोनेशिया बाली में दिखाई दिए, यहां पर रूस, चीन और बाकी जितने भी G7 G20 के देश थे, सभी के भारत पर भरोसा करते दिखाई दे रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी, नमस्कार जी। G20 का शुभ आरंभ हो गया है, और जैसे कहते हैं कि अच्छी शुरुआत का मतलब होता है कि आधा काम हो गया। भारत के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि हमने इस घड़ी में G20 का नेतृत्व संभाला है। और एक जो बड़ा किसी देश ने पहले नहीं किया था, वो ये है कि G20 को ऐसी जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, इनको एक इलिटिस्ट ग्रुप समझा जाता था, पर भारत इसको जन आंदोलन बना रहा है, ताकि भारत का एक एक नागरिक को गर्व हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या योगदान कर रहे हैं, हमारी संस्कृति परंपरा क्या है। और खास तौर पर युवाओं को जोड़ने की जो कोशिश है, ये अद्वितीय है, बहुत बड़ी चीज है। तो इससे जो आम भागीदारी होगी वो इसकी भी बढ़ रही है कि 50 सर, आपके हम आपके ऑडियो को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। इस बीच प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी के पास मैं जाना चाहता हूं। प्रोफेसर सचिन जी, आप तो बहुत सारी बैठकों को लीड भी कर रहे हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में जा रहे हैं और G20 के इतर जो बैठकें हैं उनकी अगुवाई भी कर रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, अलग रहा है शुरुआत, किस तरह से आप देखते हैं? कहते हैं कि शुरुआत अगर अच्छी होती है तो समझिए कि आधा काम हो गया। एक्चुअली आप अजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा, शुरुआत अच्छी होती है तो आधा काम हो गया। लेकिन मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री जी का ऐसा नेतृत्व है कि शुरुआत के पहले की जो तैयारी है वही आधी सफलता का कारण बन चुकी है। तो उन्होंने जो भारत में बदलाव किया है पिछले 8 वर्षों में, जो हम देख रहे हैं, जिसमें कई तरह के मुद्दे निकल करके विकास के आए हैं, जो संरचनात्मक विकास की, जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के ट्रांजिशन की बात हम भारत में देख रहे हैं G20 की इस प्रेसिडेंसी में, वही हम एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, वही हम बढ़ा करके विश्व की अर्थव्यवस्था के तरफ, जो भारत अब तेजी से विकसित होता हुआ एक राष्ट्र है, अभी आप देखेंगे सारी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा अगर है तो वो कोई भारत का है। तो उस सफलता को हम G20 के मंच पर हर संभव क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए तैयारी जो बहुत अच्छी थी पिछले 6 महीनों से, इसकी शुरुआत दिसंबर के इस माह में हम लोगों ने देखी, जो अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो अलग अलग वर्किंग ग्रुप हैं उनकी बैठकें अब शुरू हो रही हैं,
हम लोगों ने देखा, जैसे आपकी रिपोर्ट में आपने कहा पिछले सेक्शन में जन भागीदारी, तो G20 और G20 के सब्सटैंटिव प्रोसेस पे हमारा कंट्रीब्यूशन, लेकिन लोगों के जुड़ाव के साथ भारतीय जनमानस को जोड़ते हुए जो प्रधानमंत्री का ये प्रयास हुआ है, अपने लेख के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने लगातार जो प्रयास किया है उसका ही उसी की सफलता ये आज हम लोग अभी देख रहे हैं जो शुरू हो रही है जी। और हमने देखा कि जब संसद की शुरुआत हुई, हर्षवर्धन पंत जी, संसद में भी G20 की गूंज सुनाई दी। हमने देखा दूसरे राज्यों के साथ लगातार प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं कि ये एक नेशनल इवेंट है, ये एक राष्ट्रीय प्रतीक है या फिर कहें राष्ट्रीय पहचान है। और किस तरह से आपकी पहला कॉमेंट हम समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस G20 के जो शुरुआत हुई है आप लोग किस तरह से ले रहे हैं एज एन थिंक टैंक, क्योंकि थिंक टैंक की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे G20 के इस संवाद के माहौल में। उसका जो रोल है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, वो अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो वैश्विक कॉन्टेक्स्ट है वो बड़े एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और इसीलिए प्रेसिडेंसी तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेसिडेंसी एक ऐसे समय में आना जबकि विश्व में एक लीडरशिप वैक्यूम है, जबकि जो वैश्विक जो समस्याएं हैं वो अपने आप में इस समय ऐसा लग रहा है कि उनका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक जिस तरह की फॉल्ट लाइंस बन रही हैं, चाहे वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में हो, पश्चिमी और देशों और रूस के बीच में हो, या रूस और चीन के बीच या पश्चिमी देश और चीन के बीच में हो, जो मेजर पावर्स के बीच में इस समय डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए भारत के पास एक ऐसे समय में प्रेसिडेंसी आना अपने आप में भारत के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस लीडरशिप के रोल को कैसे आगे ले जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है जो लोगों की अपेक्षाएं हैं भारत के साथ कि भारत इसको लीड करे और इफेक्टिव लीड करे, और जैसा कहा गया है कि एक्शन ओरिएंटेड और डिसाइसिव लीडरशिप दे, वो बहुत जरूरी बन जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि काफी देशों की नजरें जुड़ी हुई है कि भारत क्या करता है, और इसीलिए भारत ने जिस तरह से शुरुआत करी है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसको एक जिसका हमने जिक्र किया सचिन कह रहे थे एक जन भागीदारी बनाया है, उसको लोगों से जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर आप लोगों से जोड़ेंगे नहीं तो आपके पास वो बल नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए, क्योंकि एक ऐसे समय में हमारे पास प्रेसिडेंसी है जब वैश्विक जो प्रश्न है वो बहुत बड़े हैं और उनको उनका समाधान ढूंढने के लिए भारत को एक ऐसी लीडरशिप देनी पड़ेगी जिसमें वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ ला पाए, और उसके लिए उसको हम अपने देश के साथ अगर वो एक ऐसा संवाद जो शुरू कर पाता है और संवाद को आगे ले जा पाता है तो उससे बहुत बल मिलेगा। तो ये बड़ा जरूरी भी है, और ये जो हो रहा है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक ये संभव हो पाएगा जी। विष्णु प्रकाश जी, राजनयिक संबंधों में ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है आपके ऊपर कितना भरोसा करता है, वो किसी भी मुद्दे को एक सहमति तक ले जाने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। ट्रस्ट डेफिसिट हमने देखा बहुत सारे मोर्चों पर, हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया, बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई दिए। आपको लगता है कि भारत कुछ अपनी ओर से एक ऐसी लीडरशिप ले पाएगा जिससे लोग भारत पर भरोसा कर पाएंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो जस्ट ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो, आपकी वुमेन लेड डेवलपमेंट के जरिए जिस तरह से भारत ने पहल की है, जो भारत अभी अगुवाई कर रहा है अपनी, उसकी दिशा आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई लोग भारत पर भरोसा कर पाएंगे? इसका कारण है ये है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आज की बात नहीं है, पिछले 50-60 साल से जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और क्यों नहीं की जा सकती? देखिए, हम विकासशील देश हैं, पर हमारा और बाकी विकासशील देशों का फर्क यह है कि हमारा जो आकार है, हमारी विविधता है, जो हमारी चैलेंजेस हैं, उसको किसी और देश के पास नहीं है। पर हमने चैलेंजेस के जो हमारे मुश्किलें आई हैं या जो हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा है उसके लिए हमने क्या किया है? उसके लिए हमने समाधान ढूंढे, चुनौतियों का सामना किया है, और हमने व्यवहारिक समाधान ढूंढे हैं जो कि रेप्लीकेबल है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। और पिछले 50 साल से वो हमने जो अपने समाधान थे, हमारा डेवलपर की एक्सपीरियंस था, वो बाकी विकासशील देशों के साथ साझा किया है। और वो इस तरह से किया है कि एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, हमने जो हमसे हो पड़ा है पाया उससे ज्यादा किया है। अभी कोविड के दौरान देख लीजिए कि जब कुछ देश वैक्सीन को पा रहे थे या अफोर्ड कर रहे थे,
हमने अपनी जरूरतों के लिए भी किया और बाकी देशों के लिए भी किया, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड। और इसलिए जो हमारी एम्फेसिस है सहयोग की, सहमति बनाने की, तो उसका ये नतीजा है कि भारत के ऊपर विश्वास है, लोगों को ट्रस्ट है कि जो भारत कहता है वो करता है। और हमारा यही कारण है कि भारत की साख बहुत है और भारत में ये एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि हम विकासशील देशों की जो चुनौतियां हैं उन पर ध्यान करेंगे और उनकी आवाज बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सबको विश्वास है। और आखिरी बात यह है कि भारत एक बहुत कम देशों में ऐसा है जो कि विकसित देशों के साथ और विकासशील देशों के साथ दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है और सबको एक ही मेज पे ला सकता है सहयोग की बात करता है। प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, एक बहुत ही शब्द बार बार जो लोगों के सामने आ रहा है, ग्लोबल साउथ, थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ को दिशा के साथ कंफ्यूज करते हैं। लोगों को लगता है कि शायद हम केवल साउथ में भारत लोगों को इसे एक साथ लेने ले जाने की कोशिश करेगा क्या, तो आम भाषा में, क्योंकि हम हिंदी भाषी दर्शकों के साथ इस वक्त हैं इस कार्यक्रम को लेकर, तो ये ग्लोबल साउथ का मुद्दा क्या है और भारत की भूमिका किस तरह से G20 में इंपॉर्टेंट होने जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा रखा अजय जी आपने। अगर देखा जाए तो जो विश्व का विकास हुआ है, जिस क्षेत्र में विकास हुआ है, वो जनरली ऐसा देखा गया कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो सभी नक्शे के नॉर्थ में हैं, और जिनका विकास नहीं हो पाया, ऐसे जो विकासशील हैं या अविकसित देश हैं, वो नक्शे के दक्षिण में हैं। तो ये जो दक्षिण है उसको साउथ कहा गया, और ऐसा जो पूरे ग्लोब में फैले हुए विकसित हुए या विकास के प्रति अपनी अभिलाषा रखे हुए हैं, आशा रखे हुए हैं, विश्वास है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, ऐसे जो सारे लोग हैं उनको ग्लोबल साउथ कहा गया। और इसीलिए जो बार बार अभी कहा जा रहा है कि भारत ग्लोबल साउथ को जोड़ेगा, तो भारत उन सब तमाम देशों को जोड़ने की बात कर रहा है जिनके साथ मिलकर के हम कई वर्षों से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा अभी आपने पीछे सवाल में पूछा था कि क्या भारत की राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता रही है, तो यही भारत की वैश्विक पटल पर नेतृत्व की क्षमता रही है जिसमें हमने ग्लोबल साउथ को लिया। आपको याद होगा 2015 में हमने जब इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट किया, तो अफ्रीका को साथ में लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकास की जिस संभावना की हमने चर्चा करी, आज उसका मौका हम लोगों के सामने G20 के रूप में आ रहा है। संभावना होगी कि G20 में अफ्रीकन यूनियन और बाकी लोगों को भी हम साथ में जोड़ सकें। तो जो विकासशील राष्ट्रों का एक बड़ा समूह है वही अजय जी ग्लोबल साउथ है। जी जी बिल्कुल, अब ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये ग्लोबल साउथ जैसी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं, तो आपने बताया कि जो लोग थोड़ा सा विकास की धारा में पीछे रह गए उनको आप साउथ के जरिए कह रहे हैं, और अब सभी पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं विकास की इस पूरी जर्नी में, तो हम उनको साथ लेकर के चले। अब थोड़ा सा मुद्दों पर आते हैं, जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, और सचिन जी इसी बात को मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ आप ही के साथ, क्योंकि आप कुछ वर्किंग ग्रुप्स की एक साथ मतलब उसमें आप शामिल भी रह रहे हैं, तो ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, ऊर्जा सुरक्षा का, ये बहुत ही मुश्किल वक्त में भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। शेरपा ट्रैक में जो शुरुआत हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई भारत खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं उसका कुछ समाधान सभी देशों को साथ में लेते हुए दे पाएगा दुनिया को? आपको याद होगा अजय जी, जब पहला वित्त मंत्री स्तर का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, तो हमारी वित्त मंत्री ने ये बात वहां पर कही थी कि जिन देशों को खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, और अभी अजय जी जब से हम देख रहे हैं अमेरिका ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बदलने की बात करी है, तो 55 राष्ट्र ऐसे हैं जो IMF के समक्ष जो उनका मुद्रा संकट आया है उससे निपटने की गुजारिश कर रहे हैं, सिफारिशें लगा रहे हैं, और ऐसे उनमें 25 देश हैं जिनको खाद्य सुरक्षा की मुश्किलात सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात में ये आवश्यक है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हों और उनकी मदद कर सके।
वित्त मंत्री ने इंडोनेशिया में ये कहा था कि जो भारत में संग्रहण की क्षमता है, और ये बात हम शुरू से कह रहे हैं 2013 में और उसके बाद में 15 में जब बाली में ही हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ का सम्मेलन किया था, तब भारत को एक पीस क्लॉज मिला था जिसमें भारत स्टोर कर सकता है अनाज को, हम संग्रहण कर सकते हैं, इस संग्रहित अनाज को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, निर्यात भी कर सकें, यह अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए भारत की प्रेसिडेंसी में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अब जितने भी हमारे सप्लाई चेन हैं उनके रुक जाने के कारण, जहाजों की आवाजाही के रुक जाने के कारण जो डिसरप्शन फूड सिक्योरिटी में वर्ल्ड लेवल पे हुआ है, उससे फूड इन्फ्लेशन कई राष्ट्रों में 22-28% तक ऊपर गया है और कई देशों में तो वो 76% तक ऊपर गया है। तो ऐसे राष्ट्रों में जहां ये कठिनाई बढ़ी है वही लोग अब IMF के सामने सपोर्ट के लिए खड़े हैं। तो भारत का G20 के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप में इस तरह का एक मुद्दा सामने लाने का, जैसा आपने कहा कि शेरपा की बातचीत में आया है, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारे ट्रेड में है, क्योंकि ये WTO का भी मुद्दा है और ये चूंकि फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वित्त मंत्री ने इसको सामने रखा। ये तीनों ट्रैक्स जो हमारे हैं, जो ट्रेड है, जो एग्रीकल्चर है, और यही अजय जी किसी भी राष्ट्र की क्षमता का भी परिचायक है। जैसा आपने कहा कि शेरपा ट्रैक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये उसमें से एक है, लेकिन ट्रेड, एग्रीकल्चर और फाइनेंस तीनों के साथ मिलकर के प्रस्ताव लेकर के आना, जो हम एक सरकार की बात प्रधानमंत्री बार बार करते हैं, ये उसका भी एक अच्छा उदाहरण है। प्रोफेसर हर्षवर्धन, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपसे एक छोटा सा सवाल ये हम समझना चाहेंगे कि जो हम मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बदलते हुए वक्त में जो संस्थाएं हैं उनको भी वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है, इसमें भारत की भूमिका थोड़ी और ज़्यादा और अहम हो सकती है, क्या आपको लगता है कि G20 में हम एक कंसेंसस बना पाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के भविष्य के लिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया के भविष्य के लिए? जी, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय, और भारत ने काफी समय से जो रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म की बात करी है उसके पीछे यही मंशा है कि जो 1945 के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे, मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए गए थे, वो आज के दौर में काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को देखें, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या वो WHO हो, WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा है कि एक के बाद एक इंस्टीट्यूशंस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स अपने ही जो एम है उसमें नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और इसके तहत ये बड़ा जरूरी है कि जो उभरती हुई शक्तियां हैं, उभरते हुए देश हैं, उनको आवाज मिलनी चाहिए, उनके उनके लिए प्लेटफॉर्म्स काम करनी चाहिए। और जो जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि अगर आप देखें जो भी संकट आज दुनिया में है, चाहे वो यूक्रेन की क्राइसिस हो, फूड क्राइसिस है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिसेलरेशन है, उसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन आज काम कर रहा है? कोई सारे इंस्टीट्यूशंस मुंह बाहे खड़े हैं, और कहीं पर जो सबसे बड़ा उसका जो परिणाम, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, विकासशील देशों पर पड़ रहा है, और उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही। तो इसीलिए ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं कि जब तक मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक जो विकासशील देश है, गरीब देश है, उनकी आवाज कैसे एम्पलीफाई होगी। तो भारत के लिए, भारत के नेतृत्व के लिए बड़ा जरूरी है कि भारत उन देशों के साथ खड़ा हो और इस बात का जिक्र करे कि सारे जो मुद्दे हैं वो पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब तक उस पावर पॉलिटिक्स में हम इन देशों को शामिल नहीं करेंगे, उन देशों की आवाज शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये बड़े मुद्दों का समाधान नहीं होगा। और मुझे लगता है ये भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसकी नींव इस समय रखी जा रही है, उसमें ये इन मुद्दों को इस तरह से एक नॉर्मेटिव तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा इस कार्यक्रम में। आप तीनों ही मेहमानों से गुजारिश किया, प्लीज हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक, और हम चर्चा कर रहे हैं कि पहली शेरपा ट्रैक की जो एक अहम बैठक अभी उदयपुर में खत्म हुई है, उसके बाद से अब आगे G20 की राह क्या है। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, hey! Next time your pink dress. You're the limit. Limit तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC,
unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है आपके द्वारा दिया हुआ आयकर। समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 पर वसुधैव कुटुंबकम को केंद्र में रख करके कैसे भारत इसकी अगुवाई कर रहा है। और इस साल की अध्यक्षता जो है भारत के पास है, हम आपको बता चुके हैं। हर मंत्रालय अपनी तैयारी कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय पूरी दुनिया को अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को दिखाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है। G20 को लेकर के आयुष मंत्रालय की क्या कुछ तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने बात की आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा से। हमारे साथ केंद्रीय आयुष सचिव डॉक्टर राजेश कोटेचा जी हैं। सर, G20 को लेकर किस तरह की तैयारी हो रही है? योजना ये है कि WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में आया है तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके लिए WHO GCTM के साथ एक और G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया मिलकर के अगस्त में हम एक इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट को हम पूरा दुनिया भर में उनके जो रीजनल सेंटर से वहाँ एक पैरेलल इवेंट करके उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उसको बहुत अच्छे स्तर पर काफ़ी बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। अगले महीने में तिरुवनंतपुरम में है, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। वो वहाँ जो आएंगे डेलीगेट्स, उनका हमने जो आयुर्वेद के जो श्रेष्ठ हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए अच्छा काम करते हैं, उनकी विजिट भी हमने आयोजित करी है। ऐसे ही जो इसके जो Think20 ग्रुप होते हैं, Business20 ग्रुप है, Science20 ग्रुप है, इन सब में ट्रेडिशनल मेडिसिन की चर्चा हो, ऐसा हमने नॉलेज पार्टनर के रूप में उनको आइडेंटिफाई किया, उनके साथ चर्चा हुई, बात हुई है। और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी G20 रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हैं सब में योग हो, या तो प्रारंभ में हो या तो बीच में योग ब्रेक करके 5 मिनट का जो ब्रेक है शॉर्ट योग उसको हो, तो एक अपने भारत का जो योग है उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाने लोगों के जानकारी के लिए विज्ञान आधारित योग। ऐसे ही प्रकृति परीक्षा जो आयुर्वेद की प्रकृति परीक्षा है उसको स्टैंडर्डाइज किया हमने, तो सब जगह हम प्रकृति परीक्षा का कियोस्क लगाना चाहते हैं कि इफ दे विश तो उनको हम प्रकृति परीक्षा करके हम कोशिश करें कि साथ में नाड़ी वैद्य को भी हम वहाँ बैठाएं, वो नाड़ी देखें, उनकी प्रकृति बताएं, उनके रिकमेंडेशन दें स्वास्थ्य के लिए। और साथ में हम कुछ जगहों पर हम पंचकर्म का शोकेस करना चाहेंगे, प्रोडक्ट्स का शोकेस करना चाहेंगे। एक आयुर्वेद आहार जो अभी FSS है कि मिलकर के आयुर्वेद आहार की कैटेगरी जो नोटिफाई हुई है, तो रेसिपीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, जैसे अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है तो मिलेट बेस्ड बहुत सारी आयुर्वेद की और यूनानी सिद्धा की रेसिपीज है, उन रेसिपीज को हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। उनको हम ऑप्शन देंगे, कुछ हर्बल टी का ऑप्शन देंगे, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सर, जैसे प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया, तो उसमें हम आयुष पद्धति को कैसे देखते हैं, कैसे हम G20 में प्रमोट करें ताकि दुनिया को पता चले? जैसे मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का जो कॉन्क्लेव है, इट इज़ स्पेसिफिक एफर्ट फॉर हील बाय इंडिया, कि भारत में हम मेडिकल वैल्यू का कितना हमारे पास बड़ा इकोसिस्टम है, कितना क्वालिटी का हमारे पास काम है, उसको हम शोकेस करना चाहते हैं। हील बाय इंडिया के लिए हम जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो अलग अलग फोरम पर चर्चा करेंगे,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सेपरेट इकोसिस्टम ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए G20 के अंदर बन जाए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट। और ये इन सभी जो देश हैं 20 में से 14 देशों के साथ आयुष मंत्रालय का या तो कंट्री टू कंट्री MOU या इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट MOU है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैरेलल जो डिस्कशन होगा, कंसल्टेशन होगा, नेगोशिएशन होगा, उसमें हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को उनके देशों में भेज सकें। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ, तो योग के प्रोफेशनल को ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा मिलेगा, देट इज़ एग्रीड अपॉन, वो साइन हुआ। इस प्रकार के इकोसिस्टम बाकी जगह भी हो, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उदयपुर में G20 देशों की शेरपा ट्रैक की बैठक की शानदार शुरुआत के बाद अब सभी की निगाहें हैं बेंगलुरु में 13 दिसंबर से शुरू होने वाले फाइनेंस ट्रैक की बैठक पर। समझने वाली बात है कि फाइनेंस ट्रैक में दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियों के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है, साथ ही शेरपा ट्रैक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी चर्चा भी फाइनेंस ट्रैक में होनी है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने विशेष वक्तव्य जारी किया है, आइए देखते हैं। सभी को नमस्कार। ये एक बहुत ही रोमांचक क्षण है। बेंगलुरु भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हम भारत के बेहतरीन महानगरीय शहरों में से एक बेंगलुरु से फाइनेंस ट्रैक की बैठकें शुरू कर रहे हैं, जो अपने तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है। G20 वैश्विक आर्थिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 के सदस्यों के अलावा हमने कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष के लिए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की ज़रूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं। वित्त मंत्रालय ने G20 वित्त ट्रैक एजेंडा में इस विचार को आत्मसात कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री और माननीय गवर्नर RBI भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे। हम वित्त प्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और बाद में फरवरी में फिर से बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की योजना बनाई है। हम समसामयिक और दूरदर्शी मुद्दों की इस विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसमें वैश्विक बृहद आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन, अवसंरचना के वित्त पोषण, स्वास्थ्य वित्त पोषण, स्थायी वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के माध्यम से भारत ने बहुत ही समावेशी, लोक केंद्रित और क्रिया अनुमुख प्राथमिकताओं को एक साथ रखा है। वित्त मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से एक मजबूत एजेंडा तैयार किया है, जो अंततः G20 नेताओं की घोषणा में शामिल होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के मार्गदर्शन में हमारी G20 ट्रैक के परिणाम सभी के लिए सतत और समावेशी विकास में सहायता करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक लचीलापन लाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि इस वर्ष का G20 वित्त एजेंडा भविष्य की चुनौतियों और ज़रूरतों, विशेष रूप से विकासशील और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमारी सामूहिक तैयारियों में सुधार करेगा। लगभग 40 बैठकों के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न कार्यकारी समूह और 4 मंत्री स्तरीय बैठकों को कवर करते हुए हम वैश्विक आर्थिक संवाद में
महत्वपूर्ण मूल जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बैठकें हमारे मेहमानों को भारत की आर्थिक सफलताओं को देखने का अवसर भी प्रदान करेंगी। इसके अलावा निश्चित रूप से आगंतुक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का अनुभव भी करेंगे। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी के लिए बेंगलुरु शहर और कर्नाटक राज्य के आभारी हैं। धन्यवाद। चलिए अब रुख करते हैं एक बार फिर से हमारे तीनों ही मेहमानों का। एक बार फिर से आपको बता दें कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं विष्णु प्रकाश जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, जो कि महानिदेशक हैं आरआईएस फॉर डेवलपिंग नेशन के, और हर्षवर्धन पंत जी, प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, जो कि विशिष्ट फेलो हैं ओआरएफ के। आप तीनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। लंबा वक्त होता है आज हफ्ते का अंतिम दिन, और इतनी रात आप लोगों ने वक्त निकाला, आप फिर से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। विष्णु प्रकाश जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि बहुत सारे फोरम है पूरी दुनिया में जिस पर चर्चाएं होती हैं, मुद्दे पूरी दुनिया के सामने वही हैं। कई सारे मोर्चों पर हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, COP26 हो जाए, G7 हो जाए, G20 हो जाए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन डेवलपमेंट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ, जो प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया वन हेल्थ को लेकर के, ये G20 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बाकी सारे ऑप्शंस को देखते हुए जो दुनिया के सामने है, क्लाइमेट चेंज और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है, ये सब मुद्दों के बुनियादी पे जाता है। ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अब ट्रस्टी हैं, ये भविष्य के जो भविष्य में जो आएगी पीढ़ियां, उनके लिए इस धरती को इस हालत में छोड़ना जिससे कि लोग जी सकें, डेवलपमेंट होती रहे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते रहें, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पर हो क्या रहा है कि सब मानते हैं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, पर जब उसका समाधान की बात आती है तो एक लोग इधर उधर, देश इधर उधर देखने लग जाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो पूंजी है। ग्रीन डेवलपमेंट के लिए ग्रीन कैपिटल की जरूरत है, क्लाइमेट एक्शन के लिए कैपिटल की जरूरत है, और वो विकसित देश दे सकते हैं, और विकसित देश देश में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बाली में कहा था कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है, महामारी के साथ और जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, कि इसने दुनिया में एक तबाही क्योस ला दिया है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत इस वक्त समाधान ढूंढने में अगुवाई कर रहा है, चाहे हाइड्रोजन एनर्जी है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे लाइफ स्टाइल चेंज है। तो हम ये सब चीजों पे अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, और हम वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं। तो ये हमारी क्षमता है, पर भारत इससे आवाज जब उठाता है तो दूर बाकी देश ध्यान से सुनते हैं, और चेतना जगाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत की अगुवाई में इसके ऊपर और ध्यान दिया जाएगा, उस पर कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको आपके जरिए समझ लेते हैं, शेरपा ट्रैक से फाइनेंस ट्रैक कैसे अलग है, वो किस तरह की बातें करेगा, कैसे समाधान निकालेगा, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर को बेंगलुरु में होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि जो अंतर अभी आपने शुरू में अपनी रिपोर्ट में दिखाया और जो स्टेटमेंट अभी हमने डीए सेक्रेटरी का देखा, दो बातें अजय जी साफ हमारे ख्याल में आनी चाहिए। सबसे पहला, जैसे आपने स्वयं कहा कि जिस विकास के मुद्दे की चर्चा शेरपा ट्रैक कर रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये विंटर ट्रैक देखेगा। लेकिन जापान प्रेसिडेंसी में G20 में इस बात का प्रयास हुआ कि वित्त मंत्री और शेरपा ट्रैक के जो विकास के लिए जिम्मेवार मंत्री हैं, वो साथ में बैठे और वो आपस में बैठ के चर्चा करें। तो हेल्थ के मुद्दे पर सबसे पहले जापान प्रेसिडेंसी में हेल्थ और फाइनेंस मिनिस्टर की एक साथ बैठक हुई। अभी इंडोनेशिया ने उसको रिपीट किया।
उसने न सिर्फ हेल्थ के और फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज हैं भारत में, ऐसा एक मंत्रालय नहीं है लेकिन वहाँ बापनास करके जो इंडोनेशिया का मंत्रालय है और ऐसे जो पैरेलल बाकी मिनिस्ट्रीज बाकी सरकारों में है, ऐसे मंत्रियों के साथ उन्होंने एक बैठक करी। तो विकास और विकास से जुड़े तमाम मुद्दों का फाइनेंस से जुड़ना और उनका सेपरेट होना, ये दो बातें हैं। लेकिन जो वित्त ट्रैक है, जो फाइनेंस ट्रैक है, उसके सामने दो दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। पहला, जैसा अभी भारत प्रयास कर रहा है और एम्बेसडर विश्व प्रकाश जी ने कहा कि जो हमारी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनको 21वीं शताब्दी के लिए कैसे तैयार किया जाए। जो हम अभी दिक्कतें देख रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यह है कि इन संस्थाओं में आवश्यक बदलाव नहीं हुए, और हर्षपंत जी ने भी उसकी चर्चा करी कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मुद्दे, क्योंकि वो अटके हुए हैं। तो ये जो जैसा प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में कहा था कि यूएन अभी आज की आवश्यकताओं के मुताबिक संगठित नहीं है, तो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो हैं उनकी तैयारी आगामी वर्षों के लिए कैसे हो, ये पहला मुद्दा है। दूसरा, जो हमारे रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, एब्रो अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक है, ये बैंकों के पास अब उतना पैसा नहीं है कि वो उनके क्षेत्र में जो देश हैं उनको जैसा डेट क्राइसिस, जैसी कर्जे की का संकट जो उनका गहरा रहा है, उससे उनको बचा सके, और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं बहुत है। तो ये दो प्रमुख मुद्दे हमारे फाइनेंस ट्रैक में भारत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और ये ही शेरपा ट्रैक की उन तमाम संभावनाओं से फर्क है। जैसा आप जानते ही हैं कि करीब 40 बैठकें फाइनेंस ट्रैक में होंगी, तो 60 बैठकें शेरपा ट्रैक में होंगी, और करीब करीब 50 बैठकें एंगेजमेंट ग्रुप्स में होंगी। तो ये अपने आप में एक वृहद नशा है और एक बड़ा ट्रैक है जिसके ऊपर काम हो रहा है। अभी आपकी रिपोर्ट में आपने वेलनेस या आयुष के साथ जो बैठक होगी उसकी भी चर्चा करी, ये भी एक नया भारत का कंट्रीब्यूशन होगा जब हम एक वेलनेस ट्रैक की बात करेंगे। जैसा हम लोगों ने कहा कि भारत का नया कंट्रीब्यूशन एंगेजमेंट ग्रुप में, जो 12वां कंट्रीब्यूशन है, अभी तक 11 थे, अब 12वां हो गया, स्टार्टअप का एक एंगेजमेंट ग्रुप जुड़ गया, और उसी तरह से अभी मांग चल रही है कि एक वेलनेस ट्रैक हो जिसमें हम एंगेजमेंट ग्रुप, जिसमें हम आयुष या ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है, उससे संबंधित विषयों पर बातचीत कर सकें। यूनिवर्सिटी ट्रैक की भी बात हो रही है, यूनिवर्सिटी एंगेजमेंट ग्रुप की भी बात हो रही है। तो अब अजय जी, जो जन भागीदारी होती है, जो जन आंदोलन जैसा विकास का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा करने की बात है, वो अत्यंत तेजी से निकल करके आई है। और इसका भी एक बड़ा कारण ये हमें जानना चाहिए अजय जी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की तारीख में करीब करीब 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, और उन लोगों का 400 करोड़ लोगों का डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 200 करोड़ लोग विश्व में ऐसे हैं जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, और 130 देश ऐसे हैं जहां पे उन लोगों का कोई डिजिटल पेमेंट का आर्किटेक्चर ही नहीं है। तो ये जो वैश्विक स्तर पे जो बहुत बड़ी एक कमी है, प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास आगे बढ़ाते हुए विश्व को भारत की इन अचीवमेंट से जोड़ने की कोशिश की। तो अंतिम कमेंट के लिए चलते हैं हर्षवर्धन जी आपके पास। एक तरफ तो सचिन साहब कह रहे हैं कि जो विश्व की बड़ी चुनौतियां हैं, डिजिटल गैप्स जो है, उनको भारत एक तरह से अपना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकता है, सॉल्यूशंस भी दे सकता है, और दूसरी तरफ जो भारत की अपनी सॉफ्ट पावर है उसको दिखाने का एक बहुत ही बढ़िया मौका पूरे साल भर मिलने वाला है। ये जो दोनों चीजें हैं, हार्ड साइड में भी और सॉफ्ट साइड में भी, जो भारत का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है या उसकी जो प्रगति है, ये कितना बड़ा शोकेस करने का मौका है हमारे लिए। देखिए, बहुत बड़ा और इसीलिए ये मौका और इसीलिए इतनी सारी नजरें भारत के साथ जुड़ी हैं कि अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो बड़े बड़े देश इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं, और इसमें अगर भारत एक कॉन्फिडेंट
पावर के रूप में उभर कर आ रहा है और एक ऐसा देश जिसका जिक्र हो चुका है कि भारत सबसे बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है इस समय, मेजर मेजर इकोनॉमिक पावर है जो जिसकी ग्रोथ रेट आगे ही जा रही है और ऐसा लग रहा है कि आगे भी आगे बढ़ती रहेगी कंपेयर टू व्हाट जो जो कुछ हो रहा है और बाकी देशों में। तो उसके तहत ये भारत की जो कहानी है वो सुनाने का मौका है, भारत की आवाज को प्रखर तौर पर दुनिया भर में रखने का मौका नहीं हो सकता, तो उसका फायदा हमको उठाना है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जिसकी अभी सचिन बता रहे थे इतनी प्रखर तरीके से, इतनी वृहद तरीके से परिकल्पना की गई है, उसके पीछे ये मंशा है कि जो भारत की कहानी है उसको सुनाया जाए, भारत के जो अचीवमेंट्स हैं उनको रखा जाए और भारत का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है अगर वो शेयर हम करते हैं दुनिया के साथ, तो वो मुझे लगता है अपने आप में विकासशील देशों के लिए जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका रहेगा कि उनको भी सीखने का मौका मिलेगा और भारत को इसको शेयर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो बार बार नहीं मिल रहा है। जी बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जी वक्त निकालने के लिए, अम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास कार्यक्रम में, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा लगा फिर से एक बार आपसे जुड़ते हुए इस कार्यक्रम में। लेकिन ये जिम्मेदारी अब शायद सभी राज्यों की है कि वो कैसे अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को, यूनिक सर्विसेज को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, कैसे अपनी ब्रांडिंग करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है। इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते उदयपुर की शेरपा बैठक के कुछ हल्के फुल्के पलों के साथ आपको छोड़ जाते हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। झीलों की नगरी उदयपुर में G20 शेरपा समिट, वैसे तो यह सम्मेलन गंभीर विषयों पर बातचीत का केंद्र है, पर वो राजस्थान ही क्या जिसके माहौल में कोई घुल मिल न जाए। 29 देशों के 40 से अधिक शेरपा और राजनयिक राजस्थान की संस्कृति में ऐसे रम गए कि कई घंटों तक उदयपुर के मानक चौक में अपना वक्त बिताया, लेकिन किसी का मन भर ही नहीं रहा था। और इन सभी को जब राजस्थानी साफा पहनाकर इनका स्वागत किया गया तो ये सभी लोग जैसे खुशी से झूम गए। राजस्थान के परिवेश में साफा का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस धरोहर से पूरी दुनिया की जान पहचान कराने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। इसी मकसद से बीकानेर के मशहूर साफा आर्टिस्ट पवन व्यास को बुलाया गया, जिन्होंने पगड़ी बनाने और बांधने के मामले में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, पर इस बार इस बेहद खास अवसर के लिए ये लेकर आए दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी जिसका वजन करीब 20 किलो के आसपास था। G20 के इस प्रोग्राम है, हमने लगभग 478.5 मीटर लंबी, लगभग आधा किलोमीटर बड़ी ये पगड़ी जो 20 किलो वजनी है वो हमने हमारे मेहमानों को दर्शाई है। सबसे पहला रिकॉर्ड था दुनिया की सबसे छोटी पगड़ी जो आप हमारी अंगुली में ये देख सकते हैं, और उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और तीसरा जो रिकॉर्ड है वो एक घंटे में सबसे ज्यादा पगड़ी, एक घंटे में 205 पगड़ी बांधकर एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान की पगड़ी पहनने के बाद तो ये ऐसे खुश हुए जैसे इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। सभी ने यहाँ जमकर खरीदारी की, किसी ने जैकेट खरीदी तो किसी ने चुनरी। संस्कृति के इन अद्भुत रंगों के हर पल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करके उसे यादगार बना रहा था। यहाँ की वेशभूषा अपनाकर कई मेहमान तो ये कहने लगे कि वे खुद को उदयपुर का महाराजा जैसा अनुभव कर रहे हैं। कुछ मेहमान तो ये भी कहने लगे कि ये कोई जादुई पल है जिसे इन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। इन सब के बीच भारत के शेरपा अमिताभ कांत लगातार मुस्कुरा रहे थे, अपने देश की खूबसूरती को इन मेहमानों की नजर से देखने और सुनने के बाद फख्र महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर दुनियादारी की सारी टेंशन खत्म हो गई। G20 समिट इस साल भारत की अध्यक्षता में होगा, उससे पहले शेरपाओं का सम्मेलन कई तरह के रोड मैप तैयार कर रहा है, जलवायु परिवर्तन, रोजगार, फर्टिलाइजर और टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग वर्किंग ग्रुप बने हैं। इन गंभीर चर्चाओं के बीच उदयपुर में जिस अलग अंदाज में शेरपाओं और राजनयिकों का स्वागत हुआ है उसके बाद ये सभी अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।